स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ण विचार और वर्ण विन्यास के बारे में समझाया था। आज मैं आपको संस्कृत में संख्याओं के बारे में समझाऊंगी। संस्कृत में संख्याओं के लिए एक को हम पुल्लिंग में कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में कहेंगे एका, नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम। संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं तो एक से चार तक जो संख्याएं होती हैं वो तीनों लिंगों में होती हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। इसीलिए एक जो है वो पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। दो पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। द्वे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक संयुक्त अक्षर है, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं द हलन और वे, द्वे। इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीन त्रय पुल्लिंग में, तिस्र नपु स्त्रीलिंग में, और त्रिणी पुल्लिंग नपुंसकलिंग में। चार चत्वारः चतस्त्रः चत्वार। ये एक से चार तक संख्याएं हैं, एक दो तीन चार। एक को एकः, एका, एकम। दो द्वौ, द्वे, द्वे। तीन त्रय, तिस्रः, त्रीणी। चार चत्वारः, चतस्त्रः। आगे पांच से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में तीनों एक ही होती हैं, अलग अलग नहीं होती। जैसे पांच को हम कहते हैं पंच, छः षट, सात सप्त, आठ को अष्ट, नौ नव, दस दश, ग्यारह एकादश, बारह द्वादश, तेरह त्रयोदश, चौदह चतुर्दश, पंद्रह पंचदश, सोलह षोडश, सत्रह सप्तदश, अठारह अष्टादश, उन्नीस नवदश, बीस विंशति। विंशति की स्पेलिंग को हमें, स्पेलिंग को संस्कृत में वर्तनी कहते हैं। विंशति की वर्तनी ध्यान से करिए, वी के बाद में अनुस्वार आ रहा है और टी के बाद में विसर्ग आ रहा है, विंशति। 21, 21 बाईस द्वाविंशति, तेईस त्रयोविंशति, चौबीस चतुर्विंशति, पच्चीस पंचविंशति। आगे की संख्याएं मैं आपको बाद में बताऊंगी, आगे बताऊंगी। अब के लिए धन्यवाद।